बिरगांव में हूँ मैं। धमतरी में भी 4 वार्ड उपचुनाव हो रहे हैं, जिस जिले को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। कर्मचारियों का और निर्वाचन आयोग का इतनी लचर और इतनी कमजोर प्रशिक्षण मैंने नहीं देखा। और जनता को दोष देने की कोशिश करते हैं, जनता गलती नहीं करती। यदि मतदाता सूची में फर्जी नाम जुड़े हैं वो निर्वाचन आयोग की गलती। यदि पीठासीन अधिकारी बिना आईडी के वोट के डलवा रहा होगा तो वो उसकी गलती। ये पहला निर्वाचन आयोग है जिसको स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। एक पीठासीन अधिकारी या सेक्टर मजिस्ट्रेट आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं किसी भी बूथ में। ये मैं यही बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह के इलेक्शन संपादित करने से सिर्फ और सिर्फ तनाव फैलता है। और मैं फिर से कहता हूँ कि यहाँ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी। बाप बेटा, निष्क्रिय बाप और उसके पुत्र को स्थापित करने के लिए चुनाव वो लड़ रहे थे। निष्ठावान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा यहाँ हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस स्तर पर जाके अधिकतम लड़ाई लड़नी चाहिए, निर्वाचन आयोग जाके वो काम हमने किया। और मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता और सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार देना चाहता हूं कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यह निपटा। कहीं पे यदि अशांति हुई तो चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जानकारी नहीं दी गई, स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, किसी 200 मीटर को फॉलो नहीं कराया गया, इसके कारण कहीं कहीं पे अशांति हुई। जनता का इसमें कहीं पर कोई दोष नहीं। जिस वार्ड में मैं खड़ा हूँ बहुत सारे मुस्लिम बंधु मेरी बात को सुन रहे हैं। हो सकता है इकराम जी भी सुन रहे हों। इकराम जी को इतना प्रचार करते किसी ने नहीं देखा इससे पहले। यह है चुनाव का परिणाम।